में अगर ज्ञान देते हैं तो आपको महत्व नहीं होता, जब पैसे दे के लेते हैं तो आपको महत्व आता है। और लोगों में हमने ये अभी इस खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का आज उद्घाटन है, पहले मैं पासेज छापता था और सब बीजेपी के नगर सेवक कार्यकर्ताओं के घर भेजता था, घर में रखते थे, बांटते नहीं थे। और मैंने कहा ये बंद करो। और अभी कार्यक्रम है, 50-50 हज़ार लोग आते हैं मेरे घर पर, अब लोग झुंडी से झुंडी आ रही है कि हमको पास दो, क्योंकि अब टेलीफोन करके पास मिलती है, तो अब सिफारिश आ रही है, दूर दूर से फोन आते हैं। अब कल वो श्रेया घोषाल का कार्यक्रम है तो 60 हज़ार से ज़्यादा लोग आएंगे, तो रोड पर टीवी लगाने की योजना बनाई है। पर लोगों को मैंने कहा पास दो, फुकट मत दो। ये फुकट क्लास के कारण बहुत बेकार होता है। ये फुकट को आपको जो चाहिए ये नहीं है, थोड़ा पैसा दीजिए तो आपको हमारे मेहनत का महत्व समझ में आएगा। मैं साफ बोलता हूँ तो इसलिए नाराज मत होना। और इसलिए यहाँ इस वर्कशॉप में जो 40 है उसमें जाओ, जिनको जिस इसमें जाना है वहाँ का टेक्निकल नॉलेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर लोगों को दो बातें बताता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात, नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एप्रोप्रिएट लीडरशिप, एप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप, दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। अभी मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ, हमारे इंडियन ऑयल के लेबॉरेटरी ने जो कल्चर तैयार किया है, हमारे पास 25,000 टन, ये जो नागपुर का सीवेज है गंदा पानी टॉयलेट का, इसमें जो पार्टिकल है उसका कचरा पड़ा हुआ है, और वो 25,000 से 30,000 टन पड़ा हुआ है, महानगर पालिका में कोई लेता नहीं। अब मैंने उसकी 5-5 किलो की बैग आपके लेबॉरेटरी में पहुंचाई और उसके ऊपर प्रयोग किया कि इसमें ऑर्गेनिक कल्चर ऐड करके इसमें ऑर्गेनिक कार्बन और NPK जो वैल्यू है वो बढ़ सकती है क्या, उसका रिपोर्ट 2-4-5 दिन में अगर मिलेगा तो 25,000 टन ये खाद लगभग फुकट में हमारे किसान को ऑर्गेनिक खेती के लिए मिल जाएगा। और इसलिए ऑर्गेनिक खाद को तैयार करना, जैविक खेती के प्रयोग करना, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का कम से कम उपयोग करके धीरे धीरे बंद करना, और नैसर्गिक खेती, जैविक खेती इसके और जाना, ये एक प्रोसेस है। और ये जो 14 साल में आज हम आए हैं, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के हमारे जो अतिथि है आचार्य जी, ये जैविक खेती के एक्सपर्ट हैं और विशेष रूप से उन्होंने ये नैसर्गिक खेती के ऊपर बहुत बड़ा अध्ययन किया है, और उनका मार्गदर्शन आप सबको मिलने वाला है। और हमें धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से हटकर उत्पादन बढ़ाते हुए उस दिशा में आगे जाना है। और इसलिए उनका आना केवल राज्यपाल महोदय के रूप में तो वह है ही, पर उससे भी ज़्यादा एक नैसर्गिक खेती, जैविक खेती, उसके एक एक्सपर्ट को, उसके भाषण को सुनने के लिए हम आए हैं। तो आप जरूर उनकी बातों को लिख लीजिए। अमृत पानी, जीवामृत का तो प्रयोग हम करते ही है, पर उनसे भी कुछ नई बातें हमको सीखने के लिए मिलेगी। मैं बाकी भी समय जब जब आऊँगा तो जरूर आपसे बात करूँगा। आज मुझे खुशी है कि आप सब लोग इस प्रदर्शन में हर साल आते हैं, आपका खर्चा करके आते, ये भी बात थी पहले, ये मानकर बैठे यहाँ मुझे बोले बसेस लगाओ, ये गाड़ियाँ दो, मैंने बोला ये फालतू बातें बताना नहीं, जिसको आना है वो आए, नहीं आना है ना आए, ये लफड़े नहीं करना, जो आएगा अपने पैसे से आएगा। पहले पहले हम लगा तो मैं इनकी बात सुनता था, मैंने बहुत धंधे किए, मैं भी राजनीतिक पार्टी चलाता हूँ, बहुत गाड़ियाँ लगाई, बहुत खाना खिलाया पिलाया, और मत मेरा बना कि ये जितने लोग ऐसे लाते वो कोई काम के नहीं होते, उनका ध्यान सभा में नहीं होता। जो आप देखो कितने शांति से सुन रहे हो, इसलिए सुन रहे हो कि आपको रुचि है, और इसलिए ये एक उत्सव है, दिवाली के बाद होने वाला विदर्भ के किसानों का एक उत्सव है, आपको प्रेरणा देने वाला उत्सव है, आपके खेती को और आपको एक दिशा देने वाला उत्सव है। और आप बड़े संख्या में यहाँ आते हो और मुझे खुशी है, ना जात है, ना पात है, ना पार्टी है, ना धर्म है, ना किसी का भेद है, सब किसानों के लिए खुला है। और इसलिए आप सब लोग यहाँ आकर इसका जो मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन में
अच्छी खेती करने का जो एक संकल्प करते हैं, जो विजन लेकर जाते हैं, वो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप इसका पूरा फायदा उठाइए और आगे चलकर विदर्भ को समृद्ध और संपन्न करिए। और एक दिन जल्दी ही ऐसा आएगा कि देश के मैप में तो हम पहले नंबर पर पहुँचेंगे कृषि उत्पादन में, पर दूसरी ओर हमारे विदर्भ का एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, इतना किसान को हम सुख और समृद्ध में बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप जाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।